हौल वला कुव्वत। जी महक अली कुछ कहना चाह रही हैं शायद। मैं कहना चाह रही थी कि क्यों ना हम एक लाइव बकरे को एक जिंदा सलामत बकरे को यहाँ बुला लें। मतलब ये नॉट अ बैड आइडिया। तशरीफ ला रहे हैं मिस्टर बकरा। ये आप लोग हमें कहाँ ले आए? आप घबराइए नहीं, ये सब आपके अपने लोग। तुम आपका मतलब है कि ये भी बकरे मेरी तरह, मतलब है कि इनके सींग कहाँ हैं? ये सारे लोग जो हैं अपने सींग कटा के बकरों में शामिल होना चाहते हैं। वैसे एक बात बताइए, एक सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं कि जब आप बकरे से इंसान बने तो आपके क्या तासुरात थे? जब हमने सोचा और हमने दुआ की कि या अल्लाह हमें बकरे से इंसान बना दे, तो हमें यकीन ना आया कि हम बकरे से इंसान बन जाएंगे। लेकिन हमारी खुशी की कोई इंतहा न रही जब हमारी दुआ कबूल हो गई और हम बकरे से इंसान बन गए, और हमारा दिल चाहा कि हम खुद पूछ लें नाचें और छलांगे लगाएं इस बात पर कि हमारी कम से कम पसाई की छुरी से जान छूट गई और खास तौर पर अपनी बीवी से। इसका मतलब है कि आप अपनी बीवी से कुछ नाराज थे? वजह? बीवी चाहे इंसान की हो या बकरे की, बीवी बीवी होती है और हर शरीफ बकरा अपनी बीवी से डरता है। लेकिन आखिर नाखुश होने की वजह क्या थी बीवी से? बस हर वक्त मैं करती रहती थी, ना दूसरी बकरियों की तरह पैरों में घुंघरू बांधती थी, ना गले में घंटी, जब देखो मुंह फाड़ पैर झाड़ ले, ले, करती रहती थी। तो आपको इंसान बनने के बाद अपनी बीवी की याद नहीं आई? ओह क्या मतलब है इसका? याद न सिर्फ याद आई बल्कि हमें हमारी बकरिया बहुत याद आई। जी हाँ, वो बेचारी तो खाली मैं करती थी, मगर आजकल के लोगों की बीवियाँ तो तू तू मैं करती हैं। और ये इंसानों की बीवियाँ अपने शौहरों को रोजाना बकरा बनाती हैं और उल्टी छुरी से ज़िबा भी करती हैं। देखिए बात यह है कि आपने बीवियों की बहुत बुराइयां कर ली हैं। आप ये बताइए कि इंसान बनने के बाद आपका पहला तजुर्बा क्या था? आप सुन रहे हैं मेरी बात? आपको बीवी तो याद नहीं आ रही ना? अच्छा बात सुनिए। जब हम बकरे से इंसान बने तो हमने देखा कि हम एक फुटपाथ पर खड़े हुए हैं। वो एक बस स्टॉप था कि अचानक कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने हमें ज़बरदस्ती पकड़ के मुर्गा बना दिया। और मुर्गा बनाने के बाद इतने में एक वैगन आई, उस वैगन में हमें बिठा दिया। जैसे हम वैगन में बैठे एकदम उसने कहा डबल है जाने दो, हम भी चल पड़े। हम जैसी वैगन चल पड़ी अचानक एक शोर हुआ कि उतारो उतारो मारो मारो। लो जी तमाम पैसेंजरों को नीचे उतार दिया, हम भी नीचे उतर गए। लेकिन अचानक एक साहब आए, कहने लगे कि जलाओ जलाओ। क्या आपके यहाँ जलाने वाली लकड़ियाँ महंगी हो गई हैं? ओफो, ये लकड़ियों का फैशन नहीं है आजकल। ओह लड़कियों का फैशन है। लड़कियों पे याद आया, आपके यहाँ तो टीवी जब भी खोलो हर जगह लड़कियां ही लड़कियां। कोई इश्तेहार देखो तो उसमें चार चार लड़कियां, कोई ड्रामा देखो तो उसमें 20-20 लड़कियां, यहाँ तक कि कोई गाना देखो तो उसमें भी 15-15 लड़कियां। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर लड़कियां इस कदर ही इन्वॉल्व हो गई हैं तो उनको चाहिए कि हम बकरों की रस्सियां पकड़ के चलने लगे ताकि हम बकरों की वैल्यू में कुछ तो इजाफा हो। शुक्रिया बकरे साहब, बहुत शुक्रिया।